हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स मैंने ना ये फ्लिपकार्ट से एक वो वीडियो मेकिंग स्टैंड मंगवाया है, ऑर्डर किया था, तो और जिसको ट्राइपॉड भी जिसको बोलते हैं हम, इसको ट्राइपॉड भी बोलते हैं वीडियो बनाने के लिए, मतलब से वीडियो बनाते हैं ना, कहीं वीडियो बनानी हो। तो मैंने इसको 5 तारीख को ऑर्डर किया था, अभी इसे अभी 5 तारीख को वेडनेसडे को, तो अभी इसको आने में लगभग हफ्ता लग गया। तो अभी देखते हैं इसके अंदर जो चीज़ मैंने मंगाई थी उन्होंने वही चीज़ डाल रखी है या फिर और ही कुछ डाल दिया है। लग तो नहीं रहा ऐसा कि जो चीज़ मैंने मंगाई थी वो इसके अंदर। तो अभी मैं देखता हूँ, इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ, इसकी क्या निकलेगा इसके अंदर। चलो आपको भी दिखाएंगे। अभी मैं इसको काट लेता हूँ, मैं यहाँ से खोलता हूँ, यहाँ से खोलना होता है ये। ये बस हो गया है। चलो ये खुल गया है और अभी देखते हैं ये क्या चीज डाल रखी इन्होंने इसमें। लग तो जो मेकिंग स्टैंड ही रहा है, ये पुखार लेता हूँ इसकी। चलो ये हो गई इसकी अनबॉक्सिंग। ये क्या भेज दिया उन्होंने, देखो मेरे को बेवकूफ़ बना दिया उन्होंने। देखो मंगाया था क्या और निकला है क्या, वीडियो मेकिंग स्टैंड बना था लेकिन उन्होंने सेल्फी डाल के, ये सेल्फी स्टिक डाल के भेज दिया। देखो कितना बेवकूफ़ बनाते हैं फ्लिपकार्ट वाले। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है। मैंने ना पहले भी काफ़ी प्रोडक्ट मंगवाए, जैसे मैंने कई बार मोबाइल मंगवाए हैं, घड़ी मंगवाई थी एक बार, और एक बार एक फेस वॉश मंगवाया था, लेकिन उनमें ना मैंने पेमेंट नहीं करी पहले, उन कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट किया था उनके ऊपर। इसमें मैंने पहली बार पेमेंट कर दी थी ऑनलाइन, ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी। तो देखो ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद जैसे हम कोई छोटे प्रोडक्ट मंगाते हैं तो क्या करते हैं, मंगवाया था क्या उन्होंने भेज दिया है क्या सेल्फी स्टिक। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास मेरे फ्रेंड का है कि ये जो मैंने चीज़ मंगवाई थी ना, ये वाली ये मंगवाया था मैंने, ये ऑर्डर किया था मैंने फ्लिपकार्ट से, ऐसा आना चाहिए था, उन्होंने भेज दिया है क्या। तो ये बहुत गलत बात है फ्लिपकार्ट की, इसके लिए मेरे को बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। फ्लिपकार्ट से मंगवाया था क्या उन्होंने भेज दिया है क्या, ये बहुत गलत बात है। कस्टमर के साथ ऐसा धोखा करते हैं, छोटी चीज़ें सब मंगवाते हैं, महंगे प्रोडक्ट मंगवाते हैं जैसे मोबाइल हो गया और कोई महंगी चीज़ें होगी तब तो सही भेज देते हैं, कैश ऑन डिलीवरी करते हैं फिर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। लेकिन अब मंगवाया था क्या उन्होंने भेज दिया है क्या, ये देखो आपके सामने, अभी मैंने इसको अनबॉक्सिंग की है इसकी। तो फ्रेंड्स आप भी बताना अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ हो तो, मेरे साथ तो ये बहुत बुरा हुआ है, इसको रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। और इस चीज़ का तो मैं, इसका तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास है पहले से, ये तो मंगवाया था ये स्टैंड ऐसे वाला और भेज दिया है उन्होंने क्या, तो ये बहुत गलत बात है फ्लिपकार्ट की। और तो फिर अभी चलो अब देखते हैं अब तो क्या ऑप्शन है, अब तो इसको रिटर्न ही करना पड़ेगा और तो कोई रास्ता है नहीं। इसके लिए बहुत निंदा करता हूँ मैं फ्लिपकार्ट की, ऐसा बहुत गलत करते हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। चलो तो फ्रेंड्स अभी वापस इसको रिटर्न करूँगा, फिर दूसरा देखेंगे वो अगर उसे ही प्रोडक्ट भेजेंगे तो। तो फ्रेंड्स आप भी आपका बताना आपके साथ अगर कभी ऐसा हुआ हो तो, अगर आपने जैसे फ्लिपकार्ट से कुछ मंगवाया हो तो भाई, जैसे मंगवाया कुछ और उन्होंने भेज दिया कुछ, तो आप भी बताना ज़रूर। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिएगा और हंसते रहिएगा, खुश रहिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।